Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we start our lecture of maths from chapter 1, numbers and arithmetic operations. Word problems on book page 11. Book page 11 पे जो हमारे पास problems given हैं, 1 to 5 हमने previous lectures में solve कर लिए हैं. अब next हमने solve करने हैं problem 6. Problem 6 is a man bought. Bought में खरीदना, खरीदा. A man bought a house. एक आदमी ने घर खरीदा for कितने में 956,780. आपने first of all इनको units में count करना है. उसने इतने पैसों में, इतनी रकम में उसने एक घर खरीदा. He sold it. उसने उसको बेच दिया for 120,000. उसने 956,780 इतनी अमाउंट में उसने घर खरीदा. अब उसने घर बेचा लेस देन द कॉस्ट प्राइस. ये वो रकम है जो जिस रकम में उसने अपने घर को बेच दिया था, ये वो रकम है जो रकम हमारे पास बचती है कॉस्ट प्राइस से लेस. मीन्स कॉस्ट प्राइस को माइनस करके उन्होंने हमें ये रकम दी है. वो कहते हैं इतनी अमाउंट में उसने घर खरीदा था जो उसने कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन नहीं है. कॉस्ट प्राइस को कहते हैं जितनी रकम में उसने घर बेचा, अगर उसको माइनस करें तो हमारे पास ये बचता है. हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर. हमने ये फाइंड करना है कि उसने कितनी रकम में अपने घर को बेचा, सोल्ड किया. उसके लिए उन्होंने हमें जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी एंड उसकी जो सेल कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस. कॉस्ट प्राइस वो होती है जिससे आप कोई चीज़ खरीदते हो एंड सेल प्राइस जिससे आप कोई चीज़ बेचते हो. हमने कॉस्ट प्राइस, उसने इस कॉस्ट प्राइस में से ये वो रकम बताई है जो उसने घर बेच के अपने पास सेव की है. अब हमें वो रकम फाइंड करनी है जितने में उसने वो घर अपना सेल किया है. सॉल्यूशन इज, हमारे पास गिवन क्या क्या है, वो अमाउंट जिसमें उसने घर खरीदा था कॉस्ट प्राइस. इट मीन्स कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 956,780 लॉस. अब लॉस हम इसको क्यों कहेंगे, देखें उसने इतनी रकम में घर खरीदा था और जो उसने बेचा था वो उसने उससे लेस प्राइस पे बेचा है. क्यों? क्योंकि इतनी रकम जो है वो उसके पास इस लेस देन है उस जो उसके जिस रकम पे उसने अपना घर बेचा, उस रकम को छोड़कर ये रकम उसके पास एक्स्ट्रा है. इट मीन उसने कम में बेचा है, उसने जिस रकम में अपने घर को खरीदा था जिस अमाउंट में, उससे कम रकम में, कम अमाउंट में उसने अपने घर को बेच दिया. उसको ज़्यादा, अगर वो उससे मोर देन, अगर उससे ज़्यादा रकम में अपने घर को बेचता तो उसको प्रॉफिट होता, बट उसने कम में बेचा है. इट फॉर एग्जांपल, अगर आप एक चीज़ लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, टेन रुपीज़ की अगर आप एक पेंसिल लेते हैं, अगर आप उसको कुछ दिनों बाद 5 रुपीज़ में सेल कर देते हैं तो आपको लॉस हुआ. वाई? क्योंकि आपने 10 रुपीज़ अपने खर्च किए थे उसको लेने में. आप अगर एटलीस्ट आप उसको 15 में उसको सेल करते देन आपको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होता, बट आपको लॉस हुआ 5 रुपीज़ का. यही चीज़ वो कहते हैं कि उसने कम में बेचा और ये जो रकम थी उसके पास वो उसका लॉस है. अब सेल प्राइस हमने वो फाइंड करना है जो उसके पास जितने में उसने घर बेचा था, वो कौन सी है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. हमने कॉस्ट प्राइस जिसमें से उसने खरीदा था और उसका नुकसान दोनों को माइनस करेंगे, देन जो हमारे पास नंबर आएगा वो हमारे पास आंसर होगा. 956,780 इज द कॉस्ट प्राइस, 120,000 इज द लॉस. हमने इनको वर्टिकली लिख लिया एंड अब सब्ट्रैक्ट करेंगे. 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8. 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7. 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6. 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. 9 माइनस 1 इज इक्वल टू
हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया और जो सब्ट्रैक्शन थी विदाउट रीग्रुपिंग थी, इट मीन्स हमें कोई भी ऐसे नंबर नहीं मिला जिसका आंसर 2 डिजिट हो और हमें नेक्स्ट सम पे कैरी लेना पड़ा हो। सेल प्राइस हमारे पास आ गई है, आंसर इज 836,780। आंसर इज 836,780। इसकी स्टेटमेंट आपने अच्छे से समझनी है कि जो जिस प्राइस में उसने अपने घर को खरीदा था उसमें से उसने ये रकम छोड़ के, इस रकम को छोड़ के, ये रकम उसने नहीं ली, इस रकम को छोड़ के उसने जो हमारे पास नंबर था दिस वन, वो उस रकम में उसने अपना घर बेचा था। देखें अगर आप चेक करें 900,000 and 800,000 जिसमें उसने घर खरीदा था उसमें 900,000 से उसने 900,000 खर्च किए एंड उसने गॉट, उसके पास उसने हासिल कितने किए 800,000। ऑब्वियसली उसे लॉस हुआ है एंड सेल प्राइस हमारे पास ये है। लास्ट वन, प्रॉब्लम 7 इज अ स्कूल इन द विलेज नीड्स 400,000 वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड फॉर न्यू बिल्डिंग। एक स्कूल को नई बिल्डिंग बनाने के लिए 400,000 रुपीज चाहिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड उनको इतनी रकम की जरूरत है एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए। मिस्टर अब्दुल डोनेटेड, मिस्टर अब्दुल ने जो रकम डोनेट की है वो है 150,000। 400,000 उन्हें चाहिए थे, उन्होंने 100,000 दिए हैं एंड जस्ट 50,000 एक्स्ट्रा है। हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड। देखें उनको 400,000 चाहिए थे, उस मिस्टर अब्दुल ने 100,000 150,000 मतलब 100,000 में अगर आप चेक करें तो 100 उन्होंने दिए हैं एंड मोर देन 50,000। अब उन्हें मज़ीद कितनी रकम चाहिए हमने वो देखनी होगी। मनी नीड्स फॉर अ न्यू बिल्डिंग, नई बिल्डिंग के लिए हमें कितनी रकम चाहिए थी वो हमारे पास गिवन थी 400,000। डोनेटेड मनी, वो मनी जो डोनेट की गई है, जो उन मिस्टर अब्दुल ने डोनेट की है वो कितनी है 150,000। नीड मोर मनी वो हम कैसे फाइंड करेंगे? अब वो टोटल मनी जितनी उन्हें चाहिए और वो मनी जितनी डोनेट की जा चुकी है, हमने उस मनी को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है बिकॉज हमने ये देखना है कि उन्हें मोर देन कितनी चाहिए, इसलिए जो उनके पास है वो हम माइनस कर देंगे। देखें टोटल उन्हें 400,000 चाहिए, उनके पास 150,000 आ चुके हैं, अब वो उन्हें नहीं चाहिए, वो उनके पास हैं, मोर देन उन्हें कितनी चाहिए हमने वो फाइंड करनी है, सो हम टोटल मनी में से डोनेटेड मनी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 400,000 माइनस 150,000 एड राइट वर्टिकली एंड एड वर्टिकली हमने लिख लिया। सेकेंड नंबर हमेशा की तरह हम राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, 0 - 0 = 0, 0 - 0 = 0, 0 - 0 = 0, 0 - 0 = 0, 0 - 5, 0 - 5 is not possible। सो यहाँ से हम यहाँ पे कैरी लेंगे, इसको 10 बनाएंगे। अब 10 - 5 = 5, यहाँ पे 4 था, हमने यहाँ से 1 कैरी लिया था उस 0 के लिए, सो अब हमारे पास यहाँ पे 4 नहीं है, 3 है। 3 - 1 = 2, सो आंसर इज 250,000। 150,000 उन्होंने डोनेट किए थे और मज़ीद मोर देन मनी जो उन्हें चाहिए वो कितनी है 250,000 उन्हें मिलेंगे तो उनके ज़रूरत पूरी होगी नई बिल्डिंग के लिए जो उन्होंने बनाना। सो
वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमने तमाम वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए हैं। आपने ये तमाम वर्ड प्रॉब्लम्स अपनी बुक पे लिखने हैं और ये जो स्टेटमेंट है ये एज अ क्वेश्चन आपने लिखनी होगी फुल, एंड जो सॉल्यूशन है एज इट इज़ जैसे मैंने आपको लिख के ये बताया है आपने एज इट इज़ अपनी नोटबुक पे लिखना है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है मल्टीप्लीकेशन। हमने अभी तक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन आपने पहले कर चुके हैं, आप अप टू टू डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर से टू डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना आप सीख चुके होंगे। इसके अलावा आपने थ्री डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट से, टू डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट से आपने मल्टीप्लाई किया होगा। हम इसमें फर्दर मज़ीद काम करेंगे। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूरी है कि आपको टेबल आने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये मस्ट है कि आपको टेबल अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इसके लिए आपको जो डायरी मिलेगी, इन लेक्चर्स के अलावा जो डायरी होगी उसमें मैं आपको हर लेक्चर के साथ डे वाइज में आपको टेबल्स प्रिडिक्ट करूँगी। आपने वो टेबल्स डे वाइज याद करने होंगे, अच्छी तरह से याद करके उनको बार बार लिखना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन विदाउट, जब तक आपको टेबल्स याद नहीं होंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। मैक्सिमम आपको 15 तक टेबल्स याद होने चाहिए, वो मैं आपको डायरी में डे वाइज में आपको टेबल्स बता दूंगी कि आपने कौन से दिन में कितने टेबल याद करने हैं। डायरी में मैं आपको साथ लिख दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।